भले ही देश की आजादी के 75 वर्ष बीतने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में छुआछूत का दंश आज भी बरकरार है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की कुर्सी छूने पर अत्यंत पिछड़ी जाति के एक मासूम छात्र को ऊंची जाति के शिक्षक ने बेरहमी से पीट पीट कर घायल कर दिया। शिक्षक की पिटाई से घायल छात्र का इलाज बीते 3 दिनों से जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद से बेसिक शिक्षा अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। टीचर ने मेरे लड़के को मार दिया। मेरा लड़का भी बोल रहा था, इसने 2 दिन बताया नहीं है डर के मारे कि मेरी मम्मी लड़ती ना पहुंच जा। तो मैंने कुछ नहीं, मैंने कि चल ऐसा हो गया, 2 दिन दर्द पे मैंने स्कूल भी भेजा है। तो कहने लगा कि फिर इसने को वो अपने आप ही याद आ गई कि मुझे मम्मी जो टीचर ने मारा है उस दिन से मुझे दर्द हो रहा है। जब सूजन आ गई तो मैं टीचर के पास लेते जा रही, लेके गई हूँ, मैंने कि सर जी आपने ऐसा मारा है और मेरे अकेला लड़का, मुझे तो सही करा के दो अपना। कहा ठीक है। पहले दिन गया तो चरखारी ले गया सरकारी अस्पताल, तो का नाम उसने सीसी सी लिख के दिया, तो सीसी भी रखे हाँ। और फिर दूसरे दिन यहाँ महोबा लेके आई। देखिए, जिसने भी बच्चों को मारा है, और मैं सभी शिक्षकों से ही निवेदन करता हूँ कि बच्चों को पढ़ाए, बच्चे अबोध बालक होते हैं, वो मिट्टी के घड़े हैं, उन्हें हम जैसा बनाएंगे वैसे बनेंगे। अगर जिसने भी बच्चों को मारा है उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच मैं बीओ से कराता हूं, जैसी पुष्टि होती है मैं इस टीचर को जो है उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। वैधानिक कार्रवाई भी होगी, साथ साथ विभागीय कार्रवाई भी होगी।